लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जाहिद हफीज ने मीडिया ब्रीफिंग में भारत को पाकिस्तान में अमन खराब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 17 सितंबर को जंदरूद सेक्टर पर फायरिंग के नतीजे में दो खातीन समेत तीन अपराध जख्मी हुए थे। भारतीय फौज मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। रवा बरस भारत ने अब तक फायरबंदी इंतजाम की 2,280 खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में 18 मासूम शहरी शहीद और 183 जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत पाकिस्तान में अमन खराब करने में मुलव्वस है। फिरका वारियत फैलाने की किसी भारतीय कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान के मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आई। जाहिद हफीज ने मजीद कहा कि पूरी मकबूजा वादी को एक जेल में बदल दिया गया। मकबूजा कश्मीर के 80 लाख अवाम बाकी दुनिया से कर चुके हैं। आबादी का तनासुब बदलने की भारतीय कोशिश की मजम्मत करते हैं।